बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शराफत चीमा और आज मैं आपके लिए ले आया हूँ ये चार मरले का खूबसूरत ब्रांड न्यू डबल स्टोरी घर। बहुत ही ज़बरदस्त ये घर है और बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन पे ये घर लोकेटेड है। इसके अंदर आपको मिलेंगे तीन बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, दो किचन, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, मम्टी स्टोर और बहुत कुछ। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सोलर मटेरियल से इस घर की कंस्ट्रक्शन की गई है और बड़ी ही आइडियल लोकेशन पे ये घर लोकेटेड है। जो इसकी डिमांड है वो भी मुनासिब है, नेगोशिएबल है। तो आइए मेरे साथ इस घर का टूर करते हैं और बाकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो चार मरले का घर है ये हम आपको दिखा रहे हैं अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर में। अभी इसका फ्रंट एलिवेशन आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न स्टाइल का फ्रंट एलिवेशन इसका बनाया गया है। टाइल वर्क किया गया है, सेफ्टी ग्रिल विद ग्लास इंस्टॉल्ड है। ये फ्रंट के ऊपर आपको इसकी पार्किंग, छोटी सी पार्किंग स्पेस मिल जाती है और ये स्पेस दी गई है एक्सटर्नल लॉन के लिए, गार्डन के लिए। फ्रंट वॉल के ऊपर भी आर्टिफिशियल ग्लास और फैंसी लाइट्स का यूज़ किया गया है। अब अंदर आते हैं, ये आपको इसका कार रैंप मिल जाता है और ख़ूबसूरत CNC में इसका गेट है। छोटे दरवाजे से हम एंटर होते हैं, कार पोर्च में आपको लेके चलते हैं। ये जी माशाल्लाह इसकी कुशादा कार पोर्च है और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैट टाइल्स का यूज़ किया गया है ताकि स्लिपरी ना हो। और वॉल्स के ऊपर खूबसूरत निशेज़ मिल जाती हैं, वॉलपेपर और लाइट्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। इस साइड पे भी निशेज़ और कुरानी आयत आपको मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको एक छोटी सी ओपन स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आप प्लांट्स वगैरह रख के इसको इंटरनल गार्डन बना सकते हैं। तो ये इसके तीनों डोर सेपरेट हैं, स्टेयर्स का डोर सेपरेट है, मेन TV लॉन्च का सेपरेट है और जो आपका ड्राइंग रूम है उसका भी सेपरेट है। फुल हाइटेड यहाँ पर डोर्स यूज़ किए गए हैं। अब अंदर चलते हैं। ये जी माशाल्लाह इसका खूबसूरत लिविंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्लोर टाइल्स यूज़ की गई है। मीडिया वॉल इस साइड पे आप देख सकते हैं, वुडन कैबिनेट के साथ बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है। सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट है और शैंडलियर आप देख सकते हैं, अमूमन छोटे घरों में शैंडलियर नहीं दिए जाते लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म के शैंडलियर मिलते हैं। तो इसके साथ ही अटैच्ड आपको इसका ड्राइंग रूम मिल जाता है और यहाँ पे वुड वर्क किया गया है, यहाँ पे आप आर्टिफिशियल प्लांट्स और डेकोरेशन पीस रख के इसको इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये सेपरेट डोर है, इसकी कार पार्किंग में खुलता है और बैक साइड पे आपको विंडो वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है। वापस आते हैं जनाब, तो ये इधर आपको इसका सेपरेट खूबसूरत इंडिपेंडेंट और कुशादा किचन मिल जाता है। शेल्फ कम्प्लीट है, होब होर्ड इंस्टॉल्ड है, मिक्सर इंस्टॉल्ड है, वुड वर्क बड़ा ही नाइस किया गया है, वाइट और रेड कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए स्पेस दिया गया और इसके ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स दे दिए गए हैं। तो इस ये विंडो वेंटिलेशन के लिए और यहीं से आपको ये इसकी ओपन स्पेस मिल जाती है, ये भी काफ़ी वाइड ओपन स्पेस है। इसको एज़ आ लॉन्ड्री या वॉशिंग एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो किचन से वापस आते हैं और आपको मैं ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये चार मरले का खूबसूरत घर हम आपको अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर में दिखा रहे हैं। तो ये इसका बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, एक खूबसूरत टाइलिंग के साथ और ज़बरदस्त वॉल्स हैं इसकी, वॉलपेपर और फैंसी लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया है और यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी वार्डरोब 3 सेक्शन के अंदर, फुल हाइटेड वार्डरोब, ये विंडो वेंटिलेशन के लिए और यहीं से आप अटैच वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। टाइल्स देखें, खूबसूरत मैट टाइल्स यूज़ की गई हैं और यहाँ पे आपको कमोड का ऑप्शन मिल जाती है, वॉशिंग शावर एरिया और इसके साथ ही आपको ये LED मिरर और इसकी खूबसूरत वैनिटी आपको मिल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया, ब्रांडेड एक्सेसरीज़ यूज़ की गई हैं और ये आपने इसका अटैच वॉशरूम और बेडरूम देखा। आप चलते हैं हम अपर पोर्शन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ ये स्टेयर्स के नीचे आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है, इसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया और स्टेयर्स के ऊपर सेफ्टी ग्रिल्स हैं और स्टेयर्स सेपरेट हैं, दोनों पोर्शन आपके इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप कोई पोर्शन रेंट आउट भी करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, प्राइवेसी आपकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब स्टेयर्स के थ्रू हम चलते हैं अपर पोर्शन पे, आपको अपर पोर्शन भी दिखाता हूँ, इसकी डिमांड और कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आइए मेरे साथ। ये तो मेरे दोस्तों स्टेयर्स के ऊपर ब्लैक और वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया, वाइट टाइल्स यूज़ की गई है। ये हम आ गए हैं इसके अपर पोर्शन के ऊपर, ये इसका TV लॉन्ज है, सामने सीलिंग डिज़ाइन, शैंडलियर, फैंसी लाइट्स आपको मिलेंगी और वुडन कैबिनेट के साथ आपको मीडिया वॉल मिल जाती है। इसके साथ ही राइट साइड के ऊपर आपको किचन मिलता है, बड़ी फ्लोर टाइल्स यूज़ की गई है, वुडन कैबिनेट बहुत ज़बरदस्त हैं, वाइट और रेड कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया, होब होर्ड मिक्सर सब चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, विंडो वेंटिलेशन के लिए एक्स्ट्रा वुडन कैबिनेट्स, उसके साथ फ्रिज की स्पेस भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे अपर पोर्शन के ऊपर आपको मेरे दोस्तों मिलेंगे 2 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 1 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, टोटल यानी कि आपको 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, 2 किचन, स्टोरेज स्पेस और ज़बरदस्त एक्सेसरीज मिलेंगी। ये कॉर्नर विंडो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, सेफ्टी ग्रिल प्लस एल्युमिनियम वर्क कंप्लीट है। ये आपका ओपन टेरेस का डोर है, यहाँ से आप फ्रेश एयर इंजॉय कर सकते हैं
और ज़बरदस्त ए प्लस ग्रेड्स की कंस्ट्रक्शन की गई है इस घर के अंदर। और इसकी जो डिमांड है वो 1,45,00,000 रुपए इसकी डिमांड है। डिमांड निगोशियेबल है, अगर आप खरीदना चाहते हैं आप विज़िट करें। ये इसका अटैच वॉशरूम है, यहाँ पे भी ज़बरदस्त टाइल्स यूज़ की गई है, शावर एरिया और कमोड और वॉश बेसन और एलईडी मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपने इसका थर्ड बेडरूम देखा, सेकंड बेडरूम देखा, आप चलते हैं थर्ड बेडरूम की जानब। रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर में ये घर आपको दिखाया जा रहा है और अच्छी लोकेशन पर यह घर लोकेटेड है, डिवेल्प कम्यूनिटी के अंदर है और सब बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है और ज़बरदस्त एसेसरीज़ यूज़ की गई हैं। ए प्लस ग्रेड कंस्ट्रक्शन की गई है इस घर की। 1,45,00,000 रुपए इसकी डिमांड है, डिमांड निगोशिएबल है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं आप विज़िट करें, कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको परफेक्ट डील प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 मरला से लेके 1 नाल तक के डबल स्टोरी ब्रांड न्यू घर भी अवेलेबल हैं और 3 मरला से लेके 1 नाल तक के रिहायशी प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। ये स्टेयर्स के ऊपर आपको एक बड़ी ह्यूज स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और यहाँ पे भी हमने टाइल वर्क किया गया है और रूफ टॉप के चलते हैं यहाँ पे भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया और प्रॉपर पर्दी की गई है और एक एक्स्ट्रा वॉशरूम भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इसके डील के लिए, इसके विज़िट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।